चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है। एक समावेशी कक्षा में, कल बताया था समावेशी का मतलब क्या होता है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, विशिष्ट यानी कि कुछ अच्छा प्लान करना चाहिए स्टडी के लिए, तो वो कैसे करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए या फिर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए या तैयार नहीं करना चाहिए, आप बताइए। एक समावेशी कक्षा है आपकी, उसके अंदर सभी तरीके के बच्चे रहते हैं और आप उनके लिए कुछ नया योजनाएं तैयार कर रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो वो योजनाएं हैं उनका रूप कैसा होना चाहिए। ऑप्शन 4 है कि आपको कभी कभी तैयार करनी चाहिए योजनाएं, या फिर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, या फिर तैयार ही नहीं करना चाहिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर आएगा। शालू शर्मा ने बी आंसर दिया है कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, सुमन ने भी बी दिया है, अमरजीत का भी बी है, काजल का भी बी, प्रियंका रानी बी, विनोद कुमार बी, गुड इवनिंग प्रीति, अमनदीप कौर बी। हाँ जी जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने। गुड इवनिंग रुचिका, रवीना बी, भारत ने भी बी बोला है। एक समावेशी कक्षा में आपको कैसे योजनाएं तैयार रखनी चाहिए, लगभग बी आंसर है सभी का, बिल्कुल बी आंसर ही आएगा। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए यानी कि तैयार रखनी चाहिए, जब भी जरूरत पड़े आप उनका प्रयोग कर सकें। तो जो 56 क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर राइट है जो बी हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बी। क्वेश्चन नंबर 57, जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए, जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए, तो उसे किस रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या है कि जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को आप किसी पे जबरदस्ती थोप रहे हो कुछ नियम, तो जब हम परिवर्तित कर देंगे तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे। नंबर 1 है द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण या पुनः समाजीकरण। आपके पास 4 ऑप्शन है कि जब कोई सामाजिक मूल्य है, चरित्र निर्माण की कुछ चीजें हैं, जब आप किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर देते हैं तो इस स्थिति में आप उसे क्या कहेंगे। प्राथमिक समाजीकरण कहेंगे, द्वितीय कहेंगे, प्रत्याशित कहेंगे या पुनः समाजीकरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का बताइए क्या आंसर आएगा। हंड्रेड प्लस बच्चे हैं जो चाइल्ड केयर टेकर कर रहे हैं और पढ़ने वाले सिर्फ 18। शालू शर्मा 57 का डी, पुनः समाजीकरण, विनोद कुमार का डी, काजल कंबोज का भी डी, भारत ने भी डी बोला है, रवीना ने भी डी बोला है, किरण ने भी डी, अमनदीप कौर डी, प्रियंका रानी का भी डी आंसर है। जल्दी बताइए बाकी बच्चे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 57, 4 ऑप्शन है आपके सामने। रुचिका डी, सुनीता समा डी, सुमन डी, रितु का भी डी, सभी का डी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। ध्यान दीजिए थोड़ा क्वेश्चन पे, क्या आप ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन है उनका मीनिंग जानते हैं। गुड इवनिंग दीपाली, बताइए जल्दी, जो 3 है ऊपर आपको दिए गए हैं ऑप्शन, क्या आप उनका मीनिंग जानते हैं, क्या होता है। आपने डी आंसर दिया है, देखिए द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है। द्वितीयक होता है जब व्यक्ति समाज से सीखता है, जब वो समाज में आके सीखेगा तो द्वितीयक हो गया। प्राथमिक कौन सा होता है, जब बच्चा घर पे सीखता है वो क्या हो जाता है, प्राथमिक। पुनः समाजीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर है डी। पुनः समाजीकरण कब बोलेंगे, जब आप मूल्य और मान्यताएं किसी व्यक्ति पर जानबूझकर परिवर्तित कर देते हैं तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, पुनः समाजीकरण। प्रत्याशित समाजीकरण में क्या होता है कि आप जितनी भी बुराइयां अच्छाइयां समाज में हो रही है उनको देखकर कुछ करते हो। जैसे आप मान लीजिए आप नाटक करते हो,
मान लो आपने जागरूक ग्राहक पे कर दिया, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स लेके दहेज प्रथा पे आपने नाटक कर दिया, वो समाज में फैली हुई कुरीतियां देखकर, प्रत्याशित का मतलब ही क्या होता है, देखना, उनको देखकर अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो चीज हमारी किस में आ जाती है, प्रत्याशित समाजीकरण में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने डी दिया है बिल्कुल ठीक है उनका। गुड इवनिंग लवप्रीत पूजा, हाँ जी, तो 57 का जो आंसर है हमारा वो क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की कक्षाओं में अब कैसे शिक्षार्थियों का स्वागत होता है, आजकल जो क्लासेस हैं उनमें कैसे शिक्षार्थियों का, पढ़ने वाले बच्चों का स्वागत होता है, प्रतिभाशाली बच्चों का ही सिर्फ एडमिशन किया जाता है, या फिर विविध, या विशिष्ट जरूरतमंद, या उपयुक्त सभी। तो आंसर बताइए क्या आएगा इसका, चार ऑप्शन है आपके सामने। आजकल जो स्कूल है वो कैसे बच्चों के एडमिशन लेते हैं, प्रतिभाशाली के, विविध के, विशिष्ट जरूरतमंद के, या सभी के ले लेते हैं, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा इसका। शालू का 58 का डी, भारत का भी डी, विनोद का भी डी, सुनीता का भी डी, सभी ने डी आंसर दिया है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है। राइट आंसर नहीं पहुंचा है अभी भी मेरे पास। जल्दी देखिए क्या आएगा आंसर इसका। रुचिका डी, ललिता ने भी डी दिया है, बाकी बच्चे बताइए जल्दी क्या आंसर आएगा इसका। मनीषा ने भी डी दिया है, पूजा शर्मा सी, लवप्रीत चौहान बी, दीपाली अरोड़ा का भी बी, काजल का भी बी आंसर आया है। हाँ जी बिल्कुल, बी आंसर ही आएगा। विविध प्रकार के, चाहे किसी भी प्रकार का बच्चा हो, जड़ बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो, सबको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं स्कूल। तो इसका विविध आ जाएगा, 58 का बी आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौती है और इसमें निश्चित रूप से किसकी आवश्यकता है, बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने, समावेशी कक्षा में पढ़ाना क्यों, क्योंकि हर तरह के बालक होते हैं तो टीचर्स के लिए एक चुनौती बन जाती है। तो आप ये बताइए कि आपको इसके लिए किसकी जरूरत है, प्रवृत्ति की जरूरत है, प्रतिभा की जरूरत है, दक्षता की जरूरत है, या अभ्यास की जरूरत है। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका। समावेशी कक्षा के लिए ध्यान से देखना आपने, समावेशी कक्षा में पढ़ाना अध्यापकों के लिए एक चुनौती बन गया है और इसमें निश्चित रूप से किसकी आवश्यकता होनी चाहिए, प्रवृत्ति की, प्रतिभा की, दक्षता की, या फिर अभ्यास की। रवीना बी, लवप्रीत बी, पूजा शर्मा बी, ललिता का भी बी, विनोद कुमार बी, किरण का बी, शालू शर्मा 59 का डी। देखिए बिल्कुल, अमनदीप कौर डी, भारत का डी, दीपाली अरोड़ा डी। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ललिता डी है मेरा,
प्रियंका रानी बी, रितु का डी, प्रैक्टिस तो होगी लेकिन उससे पहले भी किसी चीज का होना जरूरी है, दक्षता का होना जरूरी है। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? सी आ जाएगा, दक्षता होनी भी जरूरी है। मीन्स किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगाया जा रहा है, वो चीज भी मायने रखती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दक्षता आंसर आ जाएगा, 59 का सी आ जाएगा। अभ्यास तो जब हम उनको पढ़ाएंगे उसके बाद प्रैक्टिस तो हम करवाते ही रहते हैं, लेकिन शिक्षक के लिए चुनौती है। हमने शिक्षक की बात की है, वो जो अभ्यास है वो बच्चे के लिए जरूरी है, लेकिन शिक्षक के लिए चुनौती है। तो किसकी जरूरत है? शिक्षक को। शिक्षक को दक्षता की जरूरत है, समय की जरूरत है कि किसी उद्देश्य को, कोई भी उद्देश्य, मान लो किसी बच्चे को वो कुछ सिखाना चाहता है तो वो कितना समय दे पा रहा है उसको, तो वो चीज होनी जरूरी है। तो क्या आ जाएगा? 59 का सी आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट है छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, या छात्रों को नोट्स प्रदान करना। चार ऑप्शन आपके पास कि समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। रवीना का क्वेश्चन आंसर आ भी चुका है, 59 का सी। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी क्या आएगा। समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना होता है, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना होता है, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना होता है, या छात्रों को नोट्स प्रदान करना होता है? हाँ जी, समय, उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो समय होता है लपरित, उसको बोलते हैं। उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो समय होता है उसको बोलते हैं। विनोद कुमार सी, रितु का सी, प्रियंका रानी सी। 60 नंबर क्वेश्चन पे हैं हम, जो पीछे चल रही है वीडियो थोड़ी आगे कर लीजिए। रवीना 60 का ए, ललिता का सी, सुनीता समा 59 का डी। सुनीता 60 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लीजिए आप। 60 का सी, रिधि वर्मा डी, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, चिंतन शक्ति का विकास करना। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा? सी आंसर आ जाएगा इसका। चिंतन शक्ति का ही विकास करेंगे ताकि बच्चे आगे आगे सीखते जाएं। नौकरी के लिए तैयार करना हमारा उद्देश्य नहीं होता, उसके बाद छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना भी नहीं होता, और ना ही नोट्स देना। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? चिंतन शक्ति का विकास करना, उनका IQ बढ़ाना। हाँ जी बिल्कुल, 60 का क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, डिसलेक्सिया संबंधित है एक रोग होता है छात्रों में, जो डिसलेक्सिया के नाम से है। किस लिए होता है? वो व्यवहारिक विकार से होता है कि बच्चा व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा तब होता है, या मानसिक विकार से होता है कि बच्चा पढ़ अच्छा नहीं रहा है, दिमाग अच्छा नहीं है उसका, या पठन विकार से होता है, पढ़ने से होता है, या गणितीय विकार से होता है? चार है आपके पास ऑप्शन, तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा। मंजू और मैना बहुत लेट हो गए, आप जल्दी देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 पे हैं हम, और 61 का आंसर बताइए मेरे को क्या आ जाएगा। डिसलेक्सिया एक रोग होता है बच्चों में, वो बताइए मेरे को किससे संबंधित होता है? व्यवहारिक विकार से, मानसिक विकार से, पठन विकार से, या गणितीय विकार से होता है? चार ऑप्शन आपके सामने। डिसलेक्सिया बच्चों में पाए जाने वाला एक रोग है। आपने देखे होंगे कुछ बच्चे बी को डी और डी को बी लिखते हैं, बी को डी लिख देते हैं, डी को बी लिख देते हैं। तो बताइए, रवीना का बी आंसर, विनोद का बी, पूजा शर्मा सी, अमरजीत का बी, ललिता ने भी बी आंसर दिया है।
जल्दी बताइए क्या आएगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ललिता का बी, पठन विकार से। क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा इसका, पठन विकार से संबंधित होता है डिसलेक्सिया। पढ़ने में अगर प्रॉब्लम होती है तो वहां पे कौन सा रोग होता है? डिसलेक्सिया रोग होता है। तो क्या आ जाएगा इसका? सी आंसर आ जाएगा 61 का, सी आंसर है, बी नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे हैं वो बी आंसर दे रहे हैं, तो बी आंसर नहीं है इसका, सी आ जाएगा। देखिए इसको, क्वेश्चन को ध्यान से। हाँ जी बिल्कुल, 61 का सी है लवप्रीत, पठन विकार से। बहुत लेट आंसर आ रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 62, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? एक अति सक्रिय बालक मतलब क्या है कि उसका ध्यान है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा है, भटक जाता है जल्दी वो। अति सक्रिय का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो भटक जाता है। तो बताइए क्या करेंगे आप? उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे कि उसको डेली कोने में बैठना, आप ऐसा करोगे? या उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे? दूसरा क्या है कि उसको पहली लाइन में आप, हमारा क्या होता है नॉर्मल कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको बोल देते हैं चल आगे बैठ, ठीक है, और उस पर ध्यान रखते हैं कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। क्या ऐसा करेंगे? या फिर उसे शामपट पर, शामपट आदि साफ करने का काम दे देंगे कि उसको बोलेंगे कि तूने डेली ब्लैक बोर्ड साफ करना है? क्या आप उसको ऐसा काम देंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई और तरीका अपनाएंगे आप? तो बताइए क्या आएगा? शालू शर्मा 62 का बी, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे उस पर कड़ी नजर रखेंगे। रिधि वर्मा बी, रितु ने भी बी आंसर दिया, ललिता ने भी बी, सुनीता समा ने सी आंसर दिया है, अमरजीत का बी आंसर आया है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, पूछा क्या गया है उसी हिसाब से आंसर दीजिए। दीपाली 62 का बी, रवीना भादू बी, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नजर रखेंगे। कब तक नजर रख लोगे आप उस पर? जब तक क्लास में बैठा है, उसके बाद? जल्दी देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 62 का डी लवप्रीत, पूजा शर्मा सी, सुनीता समा बी। एक बालक है जिसका ध्यान जल्दी से भटक जाता है और उसको सही दिशा में लाने के लिए आप क्या करेंगे? सुमित ने बी आंसर दिया है, दीपाली ने डी, रिधि वर्मा डी, अमनदीप डी, पूजा शर्मा डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे आप वो भी बता दीजिए। बिल्कुल जी, डी ही है इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। हम क्या करेंगे? उसको सही दिशा निर्देश देंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे? सही दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि उसको कोने में तो हम बिठा नहीं सकते और ना ही पहली पंक्ति में बिठा सकते। कब तक बिठा लोगे आप? जब तक आप क्लास में हो, और उसके बाद फिर क्या होगा? जब वो घर चला जाएगा, और उसके बाद शामपट साफ करने का कार्य तो हम उसको दे ही नहीं सकते। तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस बच्चे से बात करनी पड़ेगी और उससे प्रेम भावना, उससे क्या करना पड़ेगा आपको? उसको समझाना पड़ेगा, सही दिशा निर्देश देने पड़ेंगे आपको। तो क्या आ जाएगा इसका? डी आंसर आ जाएगा, 62 का डी। हाँ जी बिल्कुल, डी ही है रवीना, बिल्कुल डी आंसर ही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है, एक बहुत धीरे धीरे गति से सीख रहा है बच्चा, तो उसको किसकी आवश्यकता होगी? पहला अतिरिक्त सहायता की,
उसको ज्यादा सहायता की जरूरत पड़ेगी, विशेष सहायता की या कुछ सहायता की या किसी सहायता की नहीं। चार ऑप्शन आपके पास। एक मंद गति से सीखने वाला बालक है, धीमी गति से सीखने वाला बालक है, उसके लिए आप क्या करोगे, अतिरिक्त सहायता दोगे उसको या विशेष सहायता दोगे उसको या कुछ सहायता दोगे या किसी कोई भी सहायता नहीं दोगे। तो चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। एक धीमी गति से सीखने वाला बालक है, इमेजिन कीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है वो बहुत धीरे सीखता है, रिधि ए आंसर, लवप्रीत का ए, लवप्रीत 63 का ए, अमरजीत का भी ए आ गया। सभी के ए आंसर आ रहे हैं। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को किसकी जरूरत होती है, क्लास में है बच्चा आपके पास, अतिरिक्त सहायता का मतलब हो गया ट्यूशन। अब बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सभी ने ए आंसर दिया है। बच्चा आपकी क्लास में है, रवीना भादूस, बिल्कुल सही आंसर आ चुका रवीना का। क्या आ जाएगा, विशेष सहायता देंगे उसको, आप क्लास में उसको पढ़ा रहे हो तो क्लास में आपको उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, बी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बी आंसर, विशेष सहायता की आवश्यकता है उस बच्चे को। हाँ जी, 63 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है उसको झूठ बोलने की आदत है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है उसको झूठ बोलने की आदत है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। नंबर वन, उसको सजा देंगे, झूठ न बोलने के लिए कहेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे या उसे विश्वास में लेंगे और परामर्श देंगे। चार ऑप्शन आपके पास, बताइए क्या होगा। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है, ट्यूशन ट्यूशन लवप्रीत, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है उसे झूठ बोलने की आदत है, तो क्या करेंगे। सुनीता समा बी, झूठ न बोलने के लिए कहेंगे। अमरजीत, पूजा शर्मा का भी बी, रुचिका का भी बी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है उसको झूठ बोलने की आदत है, उपेक्षा का मतलब इग्नोर करना, उपेक्षा का अर्थ हो गया इग्नोर करना, इग्नोर कर देंगे उसकी बातों को। डी लग रहा है रिधि, काजल को भी डी लग रहा है, काजल ने डी बता ही दिया, रितु का डी, लवप्रीत डी, सुमन का डी, रवीना भादू का भी डी, अमनदीप को डी, बिल्कुल डी आंसर ही इसका राइट आंसर है। आप उसको विश्वास में लेंगे, मतलब उसको बोलेंगे कि देखिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपको जो सलाह दूंगा या दूंगी उसी पे आप चलें, ठीक है, उसको समझाएंगे आप, तो आप क्या करेंगे उसको विश्वास में लेंगे, मतलब उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो बच्चा आप पे विश्वास कर पाए, और उसके बाद आप उसको परामर्श दे सकते हैं कि उसको आगे क्या करना चाहिए, झूठ बोलने की आदत कैसे छूटेगी, वो चीजें आपने उसको समझानी है, ठीक है। तो 64 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसे विश्वास में लेंगे और परामर्श देंगे, बिल्कुल डी आंसर। झूठ बोलने के लिए आप कह तो देंगे लेकिन वो माने ना माने, सजा हम दे नहीं सकते, इग्नोर भी उस बच्चे को कर नहीं सकते, तो क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा इसका। हाँ जी,
नेक्स्ट देखिए, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? श्रवण, श्रवण का मतलब क्या होता है? जिनको सुनता ना हो, ऐसे बच्चे जिनको सुन नहीं रहा, सुनता नहीं है, कानों की प्रॉब्लम है, तो क्या करोगे आप? कोई यंत्र लोगे उसके लिए, या साकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, या ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे, या उपरोक्त सभी आप कर सकते हैं उनके लिए। ऐसे बच्चे जिनको दिखता नहीं है, ऐसे सुनता नहीं है, सॉरी सुनता नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? किसी यंत्र का प्रयोग करेंगे, साकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे, या सभी का प्रयोग कर सकते हैं। शालू का बी आंसर, जशन का भी बी, रवीना का भी बी, काजल, ललिता सब बी आंसर दे रहे हैं, प्रियंका रानी बी, रिधि वर्मा 65 का बी, सुमन जयपाल बी, काजल का भी बी, सभी बी आंसर दे रहे हैं। मूक बधिर और श्रवण जिनको सुनता नहीं है, अलग अलग होते हैं ये सारे। बिल्कुल साकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे ऐसे बच्चों के लिए, क्या करेंगे? साकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, साइन लैंग्वेज का यूज होगा ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो सुन तो पाते ही नहीं। अगर आप बोलोगे तो उनको समझाओगे कैसे? संकेत से ही समझाओगे ना, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? साकेतिक भाषा। बिल्कुल सुनीता, 65 का बी ही है। हाँ जी, उपरोक्त सभी नहीं होता, बिल्कुल बी आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, उल्टा लिखते हैं। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और बी और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता, यानी कि बी को डी और डी को बी लिखता है, तो बताइए उसमें क्या समस्या है? उसमें कोई मानसिक दोष है, उसमें कोई मानसिक दोष है, सीखने में असक्षम है, या दृष्टि दोष है, या मानसिक क्षय है, बताइए, यानी कि मेंटली कोई कमी है। एक बच्चा है जो 16 को 61 लिखता है, ध्यान से देखिए, एक बच्चा है जो 16 को 61 लिखता है और बी और डी में अंतर नहीं कर पाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बी को डी लिख देते हैं, डी को बी लिख देते हैं, वो अंतर नहीं कर पाते, तो क्या दिक्कत होती है? उनमें कोई मानसिक दोष होता है, सीखने में असक्षम होते हैं, कोई दृष्टि दोष होता है, या कोई मानसिक क्षय होता है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका? कौन से का पूछ रहे हो लवप्रीत आप? 66 में पूछ रहे हो क्या? रिधि का डी, शालू शर्मा 66 का बी, रवीना भादू बी, काजल का भी बी, ललिता का ए, पूजा शर्मा बी, बताइए लवप्रीत 66 क्वेश्चन में पूछ रहे हो क्या? अगर आपने 66 में पूछ रहे हो तो दृष्टि दोष का मतलब है कि कोई आंखों में कमी है, उसकी आंखों में रोग है, देखने संबंधी कोई रोग है उसको। अमरजीत बी, बिल्कुल बी आंसर आ रहे हैं सभी के, तो बिल्कुल क्या होगा? वो बच्चा सीखने में असक्षम है। क्या है वो बच्चा? सीखने में असक्षम है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? बी आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों ने बी दिया है उनका बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बी आंसर दीपाली, बिल्कुल बी आंसर ही आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, मतलब ऐसी कौन सी कमी है जो जन्मजात हो सकती है? दृष्टि दोष, यानी कि अगर किसी बच्चे में आंख का कोई रोग है तो क्या वो जन्मजात हो सकता है? कोई बच्चा मूक बधिर है तो क्या वो जन्मजात हो सकता है? या श्रवण दोष है, सुनने से संबंधित कोई दोष है तो वो जन्मजात हो सकता है? या बच्चे का मंदबुद्धि होना जन्मजात हो सकता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए
इनमें से कौन सा रोग है जो वो जन्मजात हो सकता है, यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है उसी समय हो सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। लपरित 65 का, ओके ओके। प्रियंका रानी का बी आंसर आ चुका है, बताइए जल्दी क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। प्रियंका रानी बी, रवीना भादू डी, पूजा शर्मा का भी डी, बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका। अगर किसी बच्चे में जन्मजात कोई कमी है तो वो कौन सी कमी ऐसी है जो बच्चे में जन्मजात हो सकती है, कोई आंखों का रोग, कोई कान का रोग, या मूक बधिर होना, या फिर मंदबुद्धि होना। बिल्कुल डी आंसर आ रहे हैं, लवप्रीत का ए, ऋतु का डी। हाँ जी, डी आंसर आएगा इसका। अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है तो, अगर उसके मम्मी पापा मंद बुद्धि है तो वो हो सकता है, ठीक है, वो होगा। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई मम्मी या पापा के आंखों का रोग हो तो बच्चे के भी हो, कोई जरूरी नहीं है ये। अगर माँ बाप ना बोलते हो तो कोई जरूरी नहीं है, बच्चा भी वैसे ही पैदा हो, बच्चा बोलने वाला भी हो सकता है। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर कान में कोई समस्या है माँ बाप के तो बच्चे की भी हो, लेकिन मंद बुद्धि हो सकता है। अगर पेरेंट्स मंद बुद्धि है तो बच्चा भी मंद बुद्धि हो सकता है, और जन्म जात हो सकता है, ये जन्म से ही हो सकता है ऐसा, ठीक है, जन्म से ही ऐसा रोग हो सकता है बच्चे में, मंद बुद्धि होना बच्चे का, ये जन्मजात रोग हो सकता है। उसके जन्म के समय कोई कमी रह रही हो तो भी हो सकता है, उसकी मम्मी में कोई समस्या हो तो भी हो सकता है। तो जो डी है वो हो सकता है, दृष्टि दोष जन्म के बाद भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाए तब हो सकता है। तो इसका क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। बालक के अपराधी, यानी कि एक बच्चा है वो अपराधी हो चुका है। अपराधी का मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है, ऐसे कार्य करता है जिनको हमारा समाज है वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो बताइए क्या कारण हो सकता है ऐसा। नंबर वन क्या है, परिवार का वातावरण, कि उसके परिवार का माहौल ऐसा है, या फिर आर्थिक अभाव, कोई उसको पैसे की कमी है, या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, कि उसको जो पढ़ाया गया वो सही नहीं पढ़ाया गया है, या फिर अनुशासनहीनता, कि वो अनुशासनहीनता करता है, जो उसको कहा जाता है वो उसको मानता नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा सॉलिड सा रीजन हो सकता है किसी बच्चे के अपराधी होने का। चार ऑप्शन आपके सामने, 68 का डी, प्रियंका रानी अनुशासनहीनता, शालू शर्मा 68 का बी, सुमन का डी, बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से। बालक के अपराधी होने की प्रवृत्ति का क्या कारण है, कैसे विकसित होती है बच्चे में अपराधी प्रवृत्ति। डी आंसर आ रहे हैं लगभग सभी के, अनुशासनहीनता। अमरजीत का भी ए आंसर है, रिधि वर्मा 68 का ए, इन्होंने ए दिया है, बाकी लगभग सभी का बी आ रहा है, रुचिका का डी है, बताइए जल्दी क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए क्या होगा, परिवार का वातावरण, अगर परिवार में कोई अपराधी प्रवृत्ति का है तो बच्चा भी अपराधी हो सकता है, उसके विकसित होने का कारण हो सकता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। पाठ्यक्रम का तो कोई मतलब ही नहीं है, और ना ही आर्थिक अभाव का, बच्चे को कितना पैसा चाहिए, छोटे बच्चे को कितना पैसा चाहिए बताइए। अनुशासनहीनता, वो तो स्कूल में बच्चा अगर करता है, ठीक है, तो वो अगर घर पे कर रहा है तो स्कूल में उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर वो अपराधी श्रेणी में आ गया वो बच्चा, तो क्या उसका रीजन हो सकता है कि उसके परिवार में भी जो ये प्रवृत्ति है अपराधी उसके लोग हों। तो ये जो है घर पे अपराधी प्रवृत्ति का माहौल होना बच्चे को और ज्यादा विकसित कर देता है अपराधी होने में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 68 का ए आंसर आ जाएगा।
ए होगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु साकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? मंदबुद्धि, मूक बधिर, दृष्टि दोष युक्त बच्चे या उपरोक्त में से कोई नहीं? चार ऑप्शन आपके सामने। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके लिए साकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? नंबर वन है मंदबुद्धि बालकों के लिए, मूक बधिर बच्चों के लिए, दृष्टि दोष युक्त बच्चों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। शालू शर्मा 69 का बी, अमरजीत का सी, अमनदीप कौर डी, सुनीता शर्मा ए, रिधि वर्मा 69 का बी। बिल्कुल 69 क्वेश्चन पे हैं हम, तो बताइए क्या आएगा? काजल का बी, मैना देवी का भी बी, दीपाली मूक बधिर का मीनिंग। अभी बताती हूँ, एक मिनट रुको, बस आंसर देख लूँ थोड़े क्या आते हैं, उसके बाद सबका मीनिंग बताती हूँ आपको। अमरजीत ने बी आंसर दिया है, रितु ने सी दिया है, रुचिका ने भी बी दिया है। बताइए जल्दी क्या आंसर आएगा? साकेतिक भाषा अभी पीछे बताया मैंने आपको, लास्ट जो क्वेश्चन था पिछले से पिछला क्वेश्चन उसमें यही तो था। मूक बधिर जिनको सुनता नहीं है और जो बोल नहीं पाते उनके लिए साकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मूक बधिर का मीनिंग क्या हो गया? मूक मतलब जो बोल नहीं सकते, बधिर मतलब जो सुन नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? साकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 69 का बी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बी आंसर आएगा। पूजा शर्मा बी, किरण ने सी दिया है, बी आंसर आएगा किरण इसका। दृष्टि दोष युक्त के लिए, देखने वालों के लिए नहीं होगा। देखने वालों के लिए एक और होता है, वो आगे बताऊंगी कौन सा होता है। बिल्कुल क्या आंसर आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास को लाइक भी कर दीजिए कीजिए और उसके बाद इसको शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या है? अपराधी बालक कौन होते हैं? हाँ जी बिल्कुल लवप्रीत, सुनीता 69 का बी। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ चुके हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 70, अपराधी बालक कौन होते हैं? नंबर वन, जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते, जो कक्षा में अव्वल आते हैं और जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं। अपराधी बताइए कौन होते हैं? पूजा शर्मा ने ए आंसर दिया है, किरण ने भी बी दिया है, रिधि 70 का ए, शालू शर्मा 70 का ए, काजल ने भी ए आंसर दिया है। जल्दी देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अपराधी बालक कौन से होते हैं? दीपाली अरोड़ा 70 का ए, रुचिका का भी ए। हाँ जी बिल्कुल बताया था रिधि, 70 का ए, बिल्कुल ए आंसर ही आएगा। क्या आ जाएगा? ए आंसर, जो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी कि ऐसे कार्य जिनको हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसे कार्य जिनको हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो कौन से कार्य होते हैं? वो असामाजिक कार्य होते हैं। ठीक है, तो जो असामाजिक कार्य बच्चे करते हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? अपराधी श्रेणी में रखा जाता है। बिल्कुल ये आंसर आ जाएगा 70 का। हाँ जी बिल्कुल 70 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं वो कैसे बच्चे हैं? बुद्धि लब्धि स्तर यानी कि आईक्यू लेवल जिनका 80-90 होता है, जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं, ये इकट्ठा ही आएगा, असमायोजित व्यवहार
या उपरोक्त सभी, चार ऑप्शन आपके सामने 71 में कि पिछड़े बालक कैसे होते हैं। पहला है जिनकी बुद्धि लगती है वो 80-90 होती है, या जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, या मानसिक रूप से जो अस्वस्थ होते हैं और असमायोजित व्यवहार करते हैं, यानी कि जो हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता वैसा व्यवहार करते हैं। जैसा मान लो ये नहीं है कि आप लोग सड़क पे चल रहे हो, आपको ये पता है कि सड़क पे चलते समय बिल्कुल सीधे चलते हो आप, ये तो नहीं है कि नाचने लग जाते हो, तो ऐसा व्यवहार असामाजिक व्यवहार होता है जब, जो हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता वैसा व्यवहार अगर हम करते हैं, तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। 71 का डी, शालू का, दीपाली का बी, संजू का डी, अमरजीत का भी डी है, काजल का बी है, शालू शर्मा का बी, ज्योति 71 का डी, पिछड़े बालक कैसे होते हैं, रिधि वर्मा 70 का बी, किरण, पूजा शर्मा ए, 71 का डी, रवीना भादू का डी, किरण ने भी डी आंसर दिया है, बिल्कुल डी आंसर ही आएगा। उपरोक्त सभी, ये सारे के सारी कमियां होती हैं उन बच्चों में जो पिछड़े बालक होते हैं, ठीक है। पिछड़े जो बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल होता है 80-90 के बीच होता है, सीखने की गति है उनकी, स्पीड है वो भी बहुत धीमी होती है, उसके बाद मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, और जो व्यवहार है वो भी कैसा करते हैं, असामाजिक करते हैं, असमायोजित करते हैं, मीन जहां पे जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा वो नहीं करते। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। हां जी ठीक है नीतू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः कौन सा रोग होता है। जो बच्चे शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं ऐसे बच्चों में कौन सा रोग होता है, डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया या डिसथीमिया। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, बताइए जल्दी क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 72, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों में कैसा रोग होता है, सुमन डी, 71 का बी, प्रियंका रानी 72 पे पहुंच चुके हैं, सुमित गांधी डी, सुमन का भी डी है, बताइए जल्दी क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर आएगा। ये जो रोग है ये लिखते जाइए जो मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, पूछा जाता है बच्चों में जो विकार होते हैं, जो रोग होते हैं। शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों में कौन सा रोग होता है, अमरजीत बी ए आंसर, नीतू का डी, डिसग्राफिया होता है ऐसे बच्चों में, क्या आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा इसका। लिखते जाइए, ये शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे होते हैं। डिसग्राफिया शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों में, बिल्कुल एग्जाम सभी के होंगे। आज मैंने ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाला है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, चार एग्जाम होंगे इसके। सिलेबस भी मैंने भेज दिया है ग्रुप में, अगर आप ग्रुप्स को देखते हो तो उसमें मैं पूरी डिटेल है वो डालती रहती हूँ। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। एक बच्चा है वो चोरी करता है, तो आप उसकी जो आदत है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। पहला है ताड़ना देकर, दूसरा है उदाहरण देकर, तीसरा है सजा देकर, या चौथा है बालकों को पारितोषिक देकर। चार ऑप्शन आपके सामने, छात्रों में चोरी करने की आदत है, एक बच्चा है जो चोरी करता है, कभी किसी की
कॉपी चुरा ली, किसी की पेंसिल चुरा ली, ऐसी हैबिट है उस बच्चे में, तो आप उसकी हैबिट को कैसे सुधार सकते हैं बताइए? ताड़ना दोगे उसको, ठीक है, उसके बाद उदाहरण दोगे, सजा दोगे, या बालकों को पारितोषिक दोगे? पारितोषिक का मतलब होता है इनाम, बताइए। मनदीप सिंह सी, रवीना भादू सी, रिधि वर्मा 73 का डी, मनदीप ने भी डी दिया है। डी का मीनिंग बताना, पारितोषिक मतलब इनाम होता है, इनाम देकर। नीतू डी, मैना देवी बी, जो डी आंसर दे रहे हैं वो ये बताइए मेरे को, जो बच्चा चोरी कर रहा है उसको आप इनाम दोगे? तो डी आंसर तो हो ही नहीं सकता। ताड़ना मतलब प्रताड़ित करना, पीटना उसको, पीटोगे? दो ऑप्शन बिल्कुल खत्म कर दिए मैंने, आपके सामने दो रह गए, बी और सी, अब बताइए क्या करोगे? बी भी हो सकता है। संजू रानी, रिधि वर्मा कह रही है कि बी भी हो सकता है, तो देखिए। रवीना भादू 73 का बी, बिल्कुल, और तो ऑप्शन हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, सजा तो हम बच्चे को दे ही नहीं सकते, बिल्कुल बंद है ये तो क्या करेंगे हम? उदाहरण देंगे, अगर किसी ने चोरी की है, किसी ने चोरी की है तो उसके साथ क्या हुआ है वो उसको बताएंगे कि उस बच्चे ने ये किया था और उसके साथ ये हुआ था, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, उसको उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके किसी का समझा सकते हो, बाकी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बिल्कुल पूजा एग्जाम्पल ही दे सकते हैं, चार ही ऑप्शन है हमारे पास, ना तो हम उसको प्रताड़ित कर सकते, पीट सकते, ना कोई और सजा दे सकते, और ना ही ऐसे बच्चे को इनाम दे सकते। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा इसका। 73 का क्या आंसर आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, गलत जो बता रहे हैं फिर बाद में वो डिलीट कर देते हैं, मैसेज क्यों कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो की आप लोगों ने एटलीस्ट। नेक्स्ट देखिए, डिसग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? मेन जो डिसग्राफिया रोग है वो किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है मेरे को बताइए? आपके पास चार ऑप्शन है, चित्रकला करने की, लिखने की, सुनने की, या पठन की, चार ऑप्शन आपके पास, 74 क्वेश्चन है जो, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? डिसग्राफिया, मनदीप का ए, सुमन ने बी आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर बताइए। रिधि बी, शालू शर्मा 47 का सी। डिसग्राफिया रोग के बारे में पूछा गया है, पूजा शर्मा का बी आंसर आ चुका है, डिसग्राफिया। यहां से एक वर्ड देखो, ग्राफ, और ग्राफ को क्या किया जाता है? ड्रा किया जाता है। ड्रा का मतलब क्या है? उसको लिखा जाता है। तो कौन सा रोग हो गया ये, कौन सा हो गया? बिल्कुल लिखने की, डिसग्राफिया रोग किससे जुड़ा होता है? लिखने की, मुख्यतः पूछा गया आपसे, बिल्कुल बी आंसर आ जाएगा इसका, 74 का बी आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, कक्षा 4 का एक बच्चा, कक्षा 4 है उसका एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, यानी कि कुछ न कुछ बोलता रहता है,
और कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, तो आप बताइए आप उसका क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे? अभिभावक का मीन्स आपको पता होगा पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को बताएंगे। हाँ जी, लिखना, लिखना बोला है मैंने, लिखना। लिखोगे ही, पेंसिल से लिखोगे उसको, अगर ड्रॉ करोगे पूजा पेंसिल से ही करोगे ना, ठीक है। जस्ट एक आपको ट्रिक बताई है इसको याद रखने की। नंबर वन, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, यानी कि जो मेंटली डॉक्टर होते हैं, जो मेंटली जो पिछड़े होते हैं उनका इलाज करते हैं, उनके पास लेके जाएंगे, या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, या खुद ही उसको कोई सलाह देंगे, या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। चार ऑप्शन आपके पास। 75 का बी आंसर, जो नीतू है इसने भी सी दिया है, शालू शर्मा का बी, रिधि का ए, अमरजीत 75 का ए। जल्दी बताइए आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। एक बच्चा है वो सदैव चिंतित रहता है, चिंतित के बाद वो कुंठित भी रहता है, बोलना चाहता है बोल नहीं पाता है, तो आप क्या करोगे? उसके पेरेंट्स को शिकायत कर दोगे, या उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाओगे, या खुद ही सलाहकार बन के उसको जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो दोगे, या फिर उसको उसके भाग्य पर छोड़ दोगे कि देखी जाएगी जो होगा? बताइए आप क्या करोगे। सुनीता का सी, दीपाली का बी, काजल कंबोज सी। जरूरी नहीं है सारी बातें वही हो जो आप कर रहे हो, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने बोला था लास्ट क्वेश्चन में कि बच्चे को ऐसा हम मोस्ट ऑफ करते हैं कि अगर मान लो कोई बच्चा है पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा तो उसको आगे बिठा देते हैं, तो ये सोल्यूशन नहीं होता। उसको आगे बिठा के, आगे बिठा लोगे कब तक बिठा लोगे? आपने सिर्फ कक्षा के अंदर डर थोड़ी ना खत्म करना है उसका, ठीक है। तो वैसे ही इसमें है, आप लोग जो आंसर दे रहे हो ना, तो ध्यान से इसको पढ़ के आंसर दीजिए। मनदीप सिंह पक्का सही है, सी सही है बिल्कुल मनदीप, पूरा कॉन्फिडेंस। किरण 75 का ए, प्रियंका रानी बी, रवीना भादू सी, बिल्कुल सी आंसर ही आएगा, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा इसका? सी आंसर आ जाएगा। आप खुद क्या करोगे? उसको सलाह दोगे, उससे बात करोगे, ठीक है। उससे बात करोगे तो उसको सलाह भी आप दोगे, और आपने ही उसको आगे इंस्ट्रक्शन देके उसकी जो भी उसकी बेचैनी है, उसकी चिंता है, उसको आपने खत्म करना है। हाँ जी बिल्कुल मनदीप, बिल्कुल ठीक है आपका। लो जी, आज की क्लास में इतना ही, 75 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और सभी बच्चों के पास ये क्वेश्चंस होने चाहिए। आपके ये नोट्स बनते जाएंगे और ध्यान से करते जाइए, सीसीटी का जो एग्ज़ाम है आपका वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही जो सीसीटी की सारी क्लासें हैं वो ले लिया करो आप लोग, अगर आपने क्लियर होना है। 7:15 बजे आपकी मैथ्स की क्लास आएगी, उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास आ जाएगी, तो आप उनको देख लीजिए और अच्छे से कर लीजिए अगर पास होना है तो, नहीं होना तो आपकी इच्छा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं। नीतू ये बातें मेरे नंबर पे, ये सिर्फ पढ़ाई का टाइम है तो इस टाइम पढ़ाई कीजिए। चलो ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही, आगे मैथ की क्लास ले लीजिए 7:15 बजे।